How are you? Hope you are doing good and I'm also doing great. It's been a while. मैंने कोई vlog upload नहीं किया, but today was such a nice weather. So I thought today is the perfect day to, you know, just make a vlog. And since morning has been raining very very bad. Early morning तो बहुत ज़्यादा like you know rain थी, बहुत heavy थी. And it will keep like you know like this for the whole day. सुबह मैं ड्रॉप करने गई थी अपनी डॉटर को, बट आई कुडंट लाइक यू नो मेक अ व्लॉग और से हेलो हाय टू ऑल ऑफ यू बिकॉज बहुत ज़्यादा बारिश थी और मुझे था कि फटाफट मैं ड्रॉप करके आऊँ. एंड क्योंकि यू नो बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो ट्रैफिक थोड़ा सा स्लो हो जाता है, सो दैट वाज वन रीज़न आई वांटेड टू जस्ट गो आउट एंड यू नो ड्रॉप हर. अभी थोड़ा ठीक है, बारिश रुक गई है तो मुझे लगा मैं आपको हेलो हाय कर देती हूँ. और सुबह से ही बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है. सो यस, आई विल जस्ट शो यू अराउंड. आई माइट गो टू वॉलमार्ट टूडे, मुझे वॉलमार्ट जाना है, देखती हूँ क्या करना है, कुछ स्टफ़ लेके आना है. आई एम नॉट टू श्योर, बारिश रुक गई तो मैं जाऊँगी, बट नहीं रुकी तो देखूँगी, कुछ कह नहीं सकती हूँ. बट अभी तो मैं जाके क्विकली लंच रेडी करती हूँ. सो मैं थोड़ा सा बैक यार्ड भी आपको शो कर देती हूँ. सी इट्स ऑल ग्रीन, यू नो पहले कितना वाइट होता था, बिल्कुल स्नो होता था तो यू नो अच्छा नहीं लगता था, मतलब टू मच होता था तो अच्छा नहीं लगता था, बट कभी कभी तो स्नो अच्छी लगती है. एंड yes, this is my pear tree. ये grass, अब summers में क्या होता है, like spring में क्या होता है, ये grass का झंझट हो जाता है, you know, grass को you know cut करना is something like you know it's not easy. और ये सारे weeds वगैरह हैं, ये सारे काम करने हैं अभी, वो धीरे धीरे होते रहेंगे. बट हाँ, इन द मीन टाइम आई जस्ट लाइक यू नो शो यू अराउंड कि ये क्या है क्या नहीं. और थोड़ा सा मैंने कुछ ना सीड्स डाले हैं, बट आई स्टिल नीड टू ब्रिंग लाइक यू नो प्लांट्स, जो वेजिटेबल्स का मेरा इस बार एक पूरा फुल ऑन प्लान है, यू नो कि वेजिटेबल्स मैं पीछे ग्रो करूँगी. लास्ट ईयर मैंने यू नो वो व्हाट यू कॉल्ड दी बॉटल गॉर्ड, जो घिया होता है वो ग्रो किया था और बहुत ही अच्छे आए थे, बहुत ज़्यादा. और मैं इतने ज़्यादा हो गए थे कि मुझे बांटने पड़ गए थे एक्चुअली. मतलब आई वॉज हैप्पी दैट आई कुड लाइक यू नो गिव हियर एंड देयर, मैंने सबको दे दिए थे. ऑल्सो द सेम हैपन विद द पेयर्स, लाइक यू नो पेयर्स का क्या होता है, एक सीज़न में पेयर्स अच्छे आते हैं और एक सीज़न में पेयर्स लाइक यू नो बहुत ज़्यादा नहीं आते अच्छे, इन द सेंस लाइक क्वान्टिटी वाइज. सो पिछली बार बहुत 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 ज़्यादा पेयर्स आए थे इसमें. इवन इफ लाइक यू नो द स्क्विरल्स होती हैं यहाँ पे, वो रहने नहीं देती हैं, एज वेल एज यू नो द फ्रूट स्टार्ट्स लाइक यू नो वो पूरी आधा तक खा खा के फेंकती रहती हैं. सो इट्स रियली मेसी, बट एंड आई रियली फील वेरी बैड अनॉयड, मैं गुस्सा आता है मुझे, पर मुझे लगता है वो भी बेचारी क्या खाएंगी, यू नो उनका भी तो फूड है ना, दे हैव टू ईट इट राइट. अब इतना सारा तो नहीं खा लेंगी कि हमारे लिए नहीं बचेगा. तो मैं तो जब भी आता तो मेरे बहुत सारे फ्रूट्स आए थे, तो मैंने खूब सारे लाइक यू नो बांटे थे. तो आई विश, आई प्रे लाइक यू नो आई होप दैट इस साल भी बहुत सारे आए, सो दैट आई एम एबल टू लाइक यू नो डिस्ट्रीब्यूट यू नो. और या और अभी पीछे पुदीना तो एज ऑलवेज हमेशा ही आ ही जाता है, लाइक पुदीना इस यू कैन नॉट कंट्रोल, बहुत ही वीट टाइप है पुदीना. नाउ आई कंसिडर एज वन ऑफ काइंड ऑफ वीट, बहुत ईजी स्प्रेड हो जाता है एंड वो बिल्कुल ख़त्म ही नहीं होता, तो रूट्स उसकी फैलती रहती हैं. सो यस, दिस इज़ माई बैकग्राउंड लाइक सॉरी नॉट द बैकग्राउंड, द बैक यार्ड स्टोरी. एंड चलो किचन में जाती हूँ और लंच रेडी करती हूँ. लंच मैंने आज चने बनाए हैं और आज थोड़ा डिफरेंट टाइप बनाए हैं, मैंने थोड़े थिक बनाए यू नो जैसे जैसे पूरी के साथ खाने के होते हैं, भटूरे के साथ खाने के होते हैं, सो वैसे मैंने बनाए हैं. एंड कुछ नहीं, इसको जस्ट बॉयल किया है और उसके बाद यू नो आई जस्ट जब इसको बॉयल करते वक्त मैंने ओवरनाइट इसको सोक किया था, और फिर जब मॉर्निंग में मैंने इसको बॉयल किया, बॉयल करते वक्त आई ऐड जिंजर सॉल्ट एंड टर्मरिक, और उसमें थोड़े से गर्म मसाले भी मैं उसी में डाल देती हूँ, नॉट इन ए पोटली काइंड ऑफ थिंग, लाइक यू नो आई जस्ट लिटल बिट ग्राइंड कर देती हूँ उनको खड़े मसालों को और उसमें डाल देती हूँ. एंड यस, एंड लेट मी टेल यू, इसमें कोई मैंने प्याज लहसुन नहीं डाला. इफ़ यू हैव बीन वॉचिंग माई व्लॉग्स, आप मेरी थोड़ी बहुत जब यू नो मेरे फूड का मैं बताती हूँ तो मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि आई एम नॉट एट ऑल अ फैन ऑफ गार्लिक एंड अनियंस, आई जस्ट अवॉइडेड एंड माई डॉटर इवन डजेंट लाइक इट, लाइक स्पेशली हम राजमा चनों में हम लोग बिल्कुल भी नहीं डालते हैं नो गार्लिक वाली. एक बार मैंने बहुत पहले ट्राई किया था प्याज डालना, सो किसी ने भी नहीं खाए,
सो हमारे घर में नहीं इतना लाइक होता, क्योंकि आई बेसिकली बिलोंग टू अ टिपिकल ब्राह्मिन फैमिली, जो शादी से पहले जब मैंने प्याज को टेस्ट तक भी नहीं किया था, तो वो टेस्ट मेरे डेवलप नहीं है. और फिर समहाउ लाइक हम और चीज़ों सब्जियों में, ऐसा नहीं है कि मैं बिकॉज ऑफ रिलीजन नहीं खाती हूँ, लेकिन हाँ आई मीन आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स. अगर मैं जैसे भिंडी बनाती हूँ तो प्याज डालती हूँ, भरता बनाती हूँ तो उसमें प्याज डालती हूँ, बट वेन इट कम्स टू चने एंड राजमा आई डोंट लाइक टू एड अनियंस. लेकिन एक क्योंकि ऑलरेडी थिक बन जाती है, देखिए आप, आई डोंट थिंक एनी बडी कैन से लाइक यू नो, बिकॉज जब मैं प्याज नहीं डालती थी तो पहले जब मेरे घर में कुछ फ्रेंड्स आते थे तो देर इज टू आस्क मी लाइक यू नो, आई मीन आपकी ग्रेवी कैसे प्रिपेयर होती है अगर आप यू नो प्याज व्याज नहीं डालते, क्योंकि उसके बिना ग्रेवी नहीं हो सकती. सो देन वंस आई सर्व दैम यू नो बना के, सो दे वर रियली रियली लाइक यू नो दे रियली लाइक इट, एंड दे सेड ओ रियली ऐसा होता है. मैंने कहा हाँ ऐसा कुछ नहीं होता है. अब हम लोगों की फैमिलीज में जब मेरी मॉम वगैरह आपको करती थी तो हम लोग प्याज लहसुन कभी नहीं डालते थे, मेरी नानी घर में भी और हमारी पूरी फैमिली में यूज ही नहीं होता. सो आई एम सो यूज टू इट मेकिंग विदाउट लाइक गार्लिक एंड यू नो अनियंस. सो यस, खड़े मसाले डालो, स्पाइसेस डालो, स्पाइसेस में बहुत ही ज़्यादा फ्लेवर्स होते हैं. एंड यू नो इंस्टेड ऑफ, मैं नहीं कहती प्याज लहसुन का नहीं अच्छा होता, उनका भी उसका भी अच्छा अलग टेस्ट होता होगा, डिफरेंट टेस्ट होता होगा, बट आई प्रेफर टू मेक लाइक दैट. सो यस, इफ यू कैन सी ये बहुत अच्छे से बन गया. सो इसके मैं थोड़ी सी राइस बनाऊंगी, और आज प्लान है थोड़ी सी लाइक ज़्यादा नहीं लाइक यू नो थोड़ी सी पूड़ियाँ भी उतार लूँ, क्योंकि ये गाढ़े गाढ़े बने हैं, लाइक थिक बने हैं. सो इसके साथ पूड़ी आई थिंक ज़्यादा अच्छी लगेगी. अब भटूरे तो नहीं मैं बनाती, बिकॉज इट्स अ वीक डे, सो प्रेफर नहीं करते हम लोग लाइक यू नो मेकिंग दैट हैवी. बट हाँ पूड़ी का प्लान ज़रूर है, और बारिश भी है, मौसम भी बहुत अच्छा है, तो सोच रही हूँ. बट हाँ चावल तो फॉर श्योर इसके साथ बनेंगे, इसके साथ हम रोटी तो बिल्कुल, चपाती, वी डोंट ईट चपाती विथ चने, नेवर एवर. सो यस, थोड़ी सी मैंने पूरी बना लिया चने के साथ. तो यू नो एक चना मतलब पूरी नहीं हो तो यू नो ज़्यादा अच्छा लगता है, स्पेशली विद दिस लाइक थिक ग्रेवी का, जो ये जो थिक वाला जो चना बना है इसके साथ पूरी अच्छी लगेगी. सो मैंने थोड़ी सी पूरी बना ली है, एंड राइस मैं लेटर ऑन बनाऊंगी. सो गाइस जाती हूँ, एंड आई गो पिक माई डॉटर फ्रॉम स्कूल, एंड दैट वॉज इट फॉर टुडे. इट वॉज नॉट अ वेरी लाइक लॉन्ग लेंथी व्लॉग, बट आई जस्ट ट्राई टू गिव यू लाइक यू नो शेयर टुडे स्टे, बिकॉज इट वॉज नाइस वेदर हियर, और परफेक्ट वेदर था. लंच भी आज मैंने थोड़ा चेंज करके बनाया है. सो यस गाइस, टुडे होप यू लाइक माई टुडेज व्लॉग, एंड इफ यू डिड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप. And if you're new to my channel, please do subscribe. And those who have been watching my vlogs, thank you so much, deep from my heart, each and everyone, for all your likes, comments, and blessings, and appreciating me. You all have a great day. Have a blessed day. Take care of yourself. Take care of your dear ones. And I'll catch you in another vlog. Bye.